सप्तमी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022, 23 और 24 में आ चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आएंगे और आपको रिवीजन कराएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकें और आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ सके। तो शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास। तो हम अपने क्लास की बात करते हैं। क्लास की सबसे पहले विशेषता क्या होगी? तो यह क्लास अब हम आपको रेगुलर देंगे, रेगुलर, और इसमें आपको चैप्टर वाइज PYQ मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 के, 2023 के तथा 2024 के एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रश्न होंगे। एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रश्न, साथ में हम आपको इस क्लास की PDF भी देंगे, जो कि पूरी तरह से क्या होगी, प्रोटेक्टेड होगी। PDF प्रोटेक्टेड होगी और इसका आपको पासवर्ड मैं क्लास में ही बताऊंगा। ये PDF आपको किस तरह काम आएगी ये भी मैं क्लास में ही बताऊंगा। और क्लास जो होगी लगभग 40 मिनट प्लस देने का मेरा टारगेट होगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके जीवन में ज़रूरी होता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद, तो इनका आशीर्वाद ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है हमारे पास, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो जानते हैं क्या होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो आप भी जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। संभवतः ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो, स्वयं तथा एक से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी उसके न्यूनतम दो फैक्टर होने चाहिए। अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होंगे, एक वह संख्या, एक खुद वह संख्या तथा दूसरा एक। एक वह संख्या खुद और दूसरा एक। तो उदाहरण में सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि यह 3 से विभाजित है। इसके तुरंत बाद 11, 13। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। यह एक सम संख्या भी है और एक छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो आपका जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन है 0, जो कि नहीं होगा, एक सम संख्या, 1 नहीं होगा, क्योंकि एक विषम संख्या है ना कि अभाज्य संख्या, और इसकी एक ही फैक्टर है वो भी 1 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, तो 2 इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है हमारे सामने, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हम इस संख्या को सबसे पहले
जो प्राइम संख्या होती है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 140 में हम सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 से भाग देंगे। 2 से कटने का नियम होता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 14 आ जाएगा, और 2 का भाग 0 में देंगे तो 70। फिर इसके बाद इकाई का अंक 0 है तो इसे भी 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आएगा भाग देने पर 2 3 6 और 1 बचेगा शेषफल, 1 हुआ और 0 लेकर के हो जाएगा 10, तो 2 5 10। फिर इसके बाद हम अगले प्राइम नंबर 3 से देखेंगे। तो 3 से कटने का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, अंकों का योग 3 से कट जाए। लेकिन इन संख्या के अंकों का योग है 5 और 3 8, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। अगला प्राइम नंबर है 5, तो 5 से कटने का नियम होता है इकाई का अंक तथा इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो 5 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 35 आ जाए, तो 7 भी एक खुद प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही कटेगा। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे एक बार, 7 आ जाएगा। अब इस संख्या को हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 की मान हो जाएगा 2 की घात 2 × 5 × 7। तो इस ऑप्शन में तो है नहीं, क्योंकि इसमें 5 की घात 2 रखा है, ऑप्शन ई में 2 की घात 1, तो ये हो जाएगा गलत। बी की बात करते हैं तो 2 की घात 2 इसमें है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी की बात करते हैं तो 2 की घात 2 5 × 7, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। डी भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 7 की घात 2 दे रखा है। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, एकदम गर्मा गर्म है ना। फिर आते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिए, ये सवाल 2 बार एग्जाम में आ चुका है। 144 की अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। सवाल 2023 और 2022 दोनों वर्ष आ चुका है। तो हम 144 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 144 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए लिखते हैं, सबसे छोटी प्राइम संख्या है 2 और ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इकाई का 4 है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 से आएगा 72, फिर ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 7 आए या 7 से तुरंत पहले छोटा और तुरंत बाद बड़ा, तो 2 3 6 आएगा, तो 7 में 6 घटाएंगे 1 बचा, 1 किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ये 12। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 या 2 छक्का 12। फिर ये संख्या 2 से डिवाइड होगी तो फिर 2 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा। फिर आगे हम चलेंगे तो इकाई का अंक 8 है, ये एक सम संख्या है तो ये भी 2 से कट जाएगा, 9 बार में जाएगा। अब 9 जो है ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसे हम किस संख्या से काटेंगे, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। फिर 3 को 3 से काट देंगे, हमारा भागफल 1 आ जाएगा। फिर इन संख्याओं को हम लिखेंगे 144 बराबर 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 2 इज 4, यहाँ हमने 4 बार लिखा है, इसके बाद × 3 × 3, तो कह रहा अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, तो इनकी घातों को बनाना होगा। 2 का मान जो है 4 बार है तो हो जाएगा 2 की घातें 4 गुणे 3 का रिपीटेशन है 2 बार 3 की घातें 2, इनकी घातों का योग क्या होगा, तो घात क्या है 4 और 2, तो 4 + 2 = 6, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4,
ये प्रश्न भी 2024 का ही आया हुआ है, इसी वर्ष का पूछा है। संख्या 182 तथा 78 का म स होगा, 182 तथा 78 का म स होगा। तो म स निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां होती हैं, भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लगाते हैं इसको भाग विधि से। तो भाग विधि का नियम क्या होता है, उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में। तो यहाँ दो ही संख्या है तो छोटी संख्या से हम भाग देंगे बड़ी संख्या में। यह म स ज्ञात करने की भाग विधि है। तो 78 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 182 आ जाए, अगर आ जाए तो ठीक है, ना आए तो उससे छोटा संख्या जितनी बार में आ जाए उतनी बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे संख्या 7 है, 7 का कंपेयर इधर वाली संख्या से करेंगे जो कि क्या है 1, 7 से छोटा है, तो यहाँ का हम 2 अंक लेंगे, हो जाएगा 18। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी 3 बार में मान ज़्यादा हो रहा है तो संभावित मान 2 बार में जाएगा। तो 2 लिखेंगे, 2 से इसका गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, देखिए 2 का गुणा हम 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16, 16 को 6 हासिल लगा 1 का, हासिल लगा 1 का। फिर 2 का गुणा हम करेंगे 7 के साथ, तो 2 सत्ते 14 और हासिल 15, इसको घटाएंगे तो 2 में से 6 गया, इम्पॉसिबल। तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले से एक उधार लेगा, तो हो जाएगा 12, 12 से 6 को घटाएंगे तो 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 2, 1 से 1 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर ना हम दशमलव लगाएंगे हल करने के लिए, तुरंत इसे हम बनाएंगे भाजक और इसको बनाएंगे भाज्य, तो इसको यहाँ लिखेंगे और फिर भाग देंगे। तो इस 2 का कंपेरिजन हम करेंगे 7 से, तो भाग जाएगी 2 का पहाड़ा, कितनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए, 7 ना आए तो 7 से नीचे वाली संख्या मिल जाए हमें। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 3 बार में 6 आ रहा और चौथी बार में 8 आ जा रहा है, तो हम 3 बार लेके चलेंगे, तो 3 बार लेके चलेंगे, 3 का गुणा करेंगे 6 में, तो 3 6 18, 18 को 8, हासिल लगा 1 का, फिर 3 दूनी 6 और हासिल 1 7। तो ये कम्प्लीटली क्या है, घट गया। तो किस संख्या से, 26 से, जब ये संख्या पूर्णतया कट जाए तो उसका क्या होता है, म स होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है 26। देखिए 2024 में आया हुआ प्रश्न है, इसे काफ़ी ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे अपना, प्रश्न नंबर 5 पूछा, 15, 18 और 24 का ल स है, ठीक है, 15, 18 और 24 का ल स है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग अभाज्य, इन तीनों के साथ में ही लिखकर हम निकाल सकते हैं। तो 15, 18 और 24 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर 2, 2 से क्या हो रहा है, सभी डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 से 15 कटेगा नहीं, तो इसको कंप्लीट नीचे हम लिख लेते हैं। 2 से 18 में भाग देंगे तो कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, तो 9 लिखते हैं। आगे चलते हैं, 2 का भाग हम 24 में देंगे तो कट जाएगा, कितनी बार में, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में। फिर इसमें की संख्या कोई जो 2 से कट रही है, तो जी सर जी 12 कट रही है, इसको 2 से फिर भाग देंगे। ना कटने वाली संख्या को हम नीचे उतार लेते हैं पूरी तरह से, 12 में भाग देंगे 2 से, तो आएगा 6। इसके बाद आगे चलते हैं, तो अभी ये संख्या 2 से कटेगी, तो फिर हम 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ना कटने वाली संख्याओं को हम ऐसे ही नीचे लिखते जाएंगे, 2 से भाग देंगे 6 में, आएगा 3।
अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं बची, ये 15, 9 और 3 जो 2 से कटी। तो अगला अभाज्य संख्या 3 है, क्या 3 से इसमें की कोई संख्या कटेगी? जी सर, तीनों कट जाएंगी। तो 3 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। 3 से भाग देंगे 15 में, तो 3 बचे 15। 3 से भाग देंगे 9 में, तो 3 त्रिका 9। फिर 3 से भाग देंगे 3 में, तो आएगा 3 एक कम 3। क्या आपको संख्या 3 से कटेगी? तो हाँ, 3 बिल्कुल कट जाएगी, 5 नहीं कटेगा। तो 3 से काटते हैं इसे, 5 नहीं कटेगा, तो 5 को यहां लिखते हैं और 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 एक कम 3, बचा 1। अब ये संख्या किससे जाएगी? 3 से नहीं, फिर 5 से। तो 5 से भाग देते हैं, 5 एक कम 5, और जो कटता नहीं सबको नीचे ला देते हैं, 1 वाले को ला देते हैं। तो ये कंप्लीट क्या हो गया? 15, 18, 24 का एक लस निकालने की विधि होगी। तो हम लिखेंगे लस बराबर सभी संख्याओं को लिखेंगे। 2 की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 3। टोटल नंबर ऑफ 2 इज 3। लिख लेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 3 2। फिर आगे 3 है, तो 3 की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 3 की संख्या है 2, तो 3 गुणे 3। आगे चलते हैं, 5 की संख्या 1 है, तो एक बार लिखते हैं 5। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 त्रिक 72, 72 25 360। इसे आराम से करते हैं, 2 इन 3ों का साथ में कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे इन दोनों का साथ में कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 और ये 5। अब इन सबका गुणा करते हैं, तो आप 5 और 9 का ना करके 5 और 8 का करिए, 5 और 8 40। आसान हो जाता है जब किसी संख्या में 0 आ जाता है गुणा करना, तो इसलिए हमने 8 और 5 का पहले कर लिया है, तो 5 और 8 40। अब क्या करेंगे? जब किसी संख्या में 0 हो और किसी संख्या से गुणा किया जाए, तो 0 को हम पहले लिख लेते हैं। अब बची संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, तो 4 और 9 का आपस में गुणा कर देंगे, 9 चौके 36। तो ल से कितना हो गया? 360। तो ऑप्शन ए क्या है? 90, जो कि गलत है। ऑप्शन बी 120 गलत, सी 240 गलत। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 340 इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो ये 6वां सवाल है आप लोगों के लिए, ये सवाल 2023 में आया हुआ है और पूछ रहा है कि 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घाते 3 गुणे 3 का लस है। सवाल 2023 में आया हुआ भी है, पूछा है लस। तो जब इस तरह से हमें घात में मिली संख्याएं मिली, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है। तो हम तुरंत लिखेंगे लस बराबर, इसमें कौन सी संख्या है? अभाज्य 2, पहले इसे लिख लेंगे। फिर क्या है? गुणे 3 गुणे 5। इसमें आते हैं क्या है? 2 है, हमने 2 लिखा है, 3 है, 3 को भी लिखा है। अब आते हैं घात की बात करते हैं, तो 2 की घात इसमें कितनी है? 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है। और इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 है। हम क्या करते हैं? जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, उसी को लिख लेते हैं। तो दोनों की घात सेम है, तो हम लिख लेंगे 2 की घात 3, ठीक है, 2 की घात 3। अब आते हैं 3 के पास, यहाँ 3 की घात कितनी है? 1, इस वाले में भी 1 है, तो दोनों की घात सेम है, 1 हम लिखेंगे नहीं, छिपा रहता है। फिर आते हैं यहाँ पर 5 है, इसकी घात भी 1 है, इसमें 5 है नहीं, तो उसे छोड़ देते हैं, इसकी घात 1 रहने देते हैं। अब 2 की घात 3 का मान कितना होता है? तो 2 का गुणा हम करते हैं 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 की घात 3 का मान हो गया 8 गुणे 3 गुणे 5। फिर हम क्या करेंगे? 8 का गुणा 5 में कर देंगे, 8 पच्चीस 40। हमने 8 का गुणा 5 में इसलिए किया क्योंकि इसमें
संख्या दहाई के रूप में आ रही है, इसके इकाई अंक जीरो है, इसलिए फिर इसका गुणा तीन में कर देंगे तो 40 तिया 120, यानी जीरो लिख लेंगे, फिर तीन का गुणा चार में कर देंगे, 3 चौके 12 120। तो 120 क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए 130 गलत, ऑप्शन बी 135 गलत, सी इज करेक्ट आंसर, डी भी गलत है जो कि 150 दिया हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। अच्छा प्रश्न नंबर ये 6 था, अब 7 पर। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होगा। ठीक है, तो ल स और म स से जुड़ी जो सवालें होती हैं उसमें एक सूत्र होता है जिसे आप याद रखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का सॉरी पहली दूसरी संख्या का ल स गुणे उन्हीं दोनों संख्याओं का म स बराबर होता है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। तो सवाल इसी पर बेस्ड है कि दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनके लिए इसमें क्या सही होगा। क्या मुझे ए पाने के लिए इन दोनों संख्याओं का म स निकाल करके बी से गुणा करना होगा? नहीं, ये संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा कर करके इन दो संख्याओं का ल स निकालेंगे तो आपस में बराबर होगा, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा है इसकी दूसरी संख्या जो होगी इन दोनों संख्याओं के म स तथा ल स के गुणनफल के बराबर होगी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर क्या है, इन दोनों संख्याओं का म स या और इन दोनों संख्याओं के ल स के गुणनफल के बराबर, तो ये बिल्कुल सही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली और दूसरी संख्या का म स गुणे पहली दूसरी संख्या का ल स। ये सूत्र भी है जिसे आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे जरूरी है इन्हीं सवालों में, तो आप समझ पाए होंगे और इसे ध्यान से। इसे ध्यान से ना याद रख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। आइए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा है ल स है 12 और 21 का। ठीक है, ल स जो है 12 और 21 का 84 दिया हुआ है, यानी एलसीएम जो है ल स 12 और 21 का 84 दिया गया है। फिर कह रहा है म स 12 और 21 का होगा, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का मुझे क्या दिया हुआ है ल स, उन्हीं दोनों संख्याओं का म स पूछा है। तो जब आपको ल स दिया हो, दोनों संख्या दी हो, तो आप तुरंत लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है 12 है और दूसरी संख्या 21 है, तो हम लिखा लेंगे बराबर पहली संख्या 12 गुणे दूसरी संख्या 21 बराबर ल स, आपको ज्ञात ही है ल स दिया हुआ यहाँ पे 84, लिखेंगे 84 गुणे म स पूछा है, तो म स के लिए हम यहाँ पे म स ही लिखते हैं या मान के यक्स लिख लेते हैं। अब देखिए इसका म स के साथ क्या हुआ, गुणा हुआ है 84 का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के पक्षांतर करने पे वह भाग में बदल जाएगा, तो 12 गुणे 21 भागे 84 बराबर म स। तो 21 से इसको डिवाइड कर देंगे, 21 चौके 84
चार आया, फिर चार से भाग कर देंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12, तो म स बराबर क्या आ गया 3, तो म स बराबर 3, तो ऑप्शन ए ही यानी पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ये 2024 का प्रश्न है। वाह, आगे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 9, ये तो काफी अच्छी सवाल है, 2022 में भी आई है, 23 में भी आई है, 24 में भी आई है। कह रहा है यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो म से बताना है। तो जब आपको दो संख्याएं दी गई हो, जब आपको दो संख्याएं दी गई हो और उनका लस या मस दिया हो, या दो संख्याओं में से एक संख्या दी हो और उनका लस मस दिया हो, ठीक है, आपके पास इस तरह से चार कंडीशन हो जाती है। देखिए कौन सी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, फिर इनका लस और इनका मस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। अगर ये चारों का जिक्र हो, इसमें से अगर कोई तीन दिया हो, ठीक है, तो तीन ही देगा ना, और आपको कोई एक ज्ञात करना हो, तब आपको इस सूत्र को याद रखना होगा, पहली संख्या का गुणनफल, सॉरी, पहली संख्या का गुणा गुणे दूसरी संख्या का गुणा बराबर पहली और दूसरी संख्या का लस गुणे पहली और दूसरी संख्या का मस, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 26, दूसरी संख्या है 156, बराबर लस दिया हुआ 156, लिखेंगे 156 गुणे मस जो कि हमसे पूछा है, ठीक पिछली सवाल की तरह ही इसमें क्या है, गुणा है, बराबर के हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, गुणा है पक्षांतर करने पर किसमें परिवर्तित होगा, भाग में। 26 गुणे 156, ये जितना लिखा हुआ था मैंने पूरा लिख लिया, ये 156 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो हो गया ये भाग में बराबर मस के, तो 156 से 156 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 26 बराबर किसके है, ये मस के, यानी मस पर क्या 26, तो आपसे नहीं क्या 156 सही होगा। अरे 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 सर जी क्या बात करते, 156 कहाँ सही होगा, ये तो गलत, ऑप्शन नंबर बी, हाँ यही बिल्कुल सही उत्तर है, C13 और D6 की बात कर रहा, जो कि पूर्णतया गलत है। इस सवाल को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे और अभ्यास करते रहेंगे, PDF आप डाउनलोड कर लेंगे, PDF में आपको दोनों प्रोवाइड करूंगा, अनसॉल्व भी और सॉल्वड भी, ठीक है, जहां पर आपको चीजें ना समझ में आए आप वीडियो को दोबारा भी देखेंगे, है ना, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा ये कठिन सवाल है नहीं, तो आपको PDF दोनों मिल जाएगी, अनसॉल्व भी और सॉल्वड भी, ये PDF प्रोटेक्टेड होगी, जिसमें पासवर्ड लगा होगा, PDF खोलते वक्त आपसे पासवर्ड मांगेगा, वो मैं अभी बताऊंगा कि इसका पासवर्ड क्या होगा। तो सवाल नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है यदि 65 और 117 के मस को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। हमारे सामने सवाल है कि 65 और 117 के मस को क्या लिखा गया है, 65P माइनस 117 तो P बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 65 और 117 का निकालेंगे मस, ठीक है, दो संख्याएं मस निकालेंगे। यहाँ पर आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस मस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर म स का जिक्र है, आपसे ल स नहीं पूछा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप 65 और 117 का निकालेंगे, 165 और 117 का निकालेंगे म स। तो सबसे आसान विधि लिखती है मुझे भाग विधि। तो भाग विधि में क्या किया जाता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो भाग देंगे 65 का, तो जो कि दो बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जा रहा है, तो 65 एकम 65। इसको घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा 5, 52। दोबारा भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, भाजक। क्या बना लेंगे, भाजक। और जो हमारा पहला भाजक था उसको बनाएंगे हम भाज्य, उसको बनाएंगे भाज्य, इसको यहाँ लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, जब से शेषफल आ जाए और कटने की गुंजाइश ना हो तो उसे बना लेते हैं भाजक, और जो पहले भाजक होता है उसको बनाते हैं भाज्य। या इस तरह से देखिए कि मैंने उसको कहाँ लिख दिया, यहाँ पर। ठीक है, अब 52 का पहाड़ा पढ़ेंगे दो बार, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार लेके जाएंगे, 52 एकम 52। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब इसको बना लेते हैं हम भाजक, और इस वाले भाजक को बनाएंगे भाज्य। तो हम फिर इसको उठा करके ला के बनाएंगे, भाज्य। इसको हमने क्या बनाया, भाज्य, ये है भाजक। भाग देंगे तो 13 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, 13 चौके 52, और ये क्या होगा, घट जाएगा, 13 चौके 52। तो 13 से कट रहा है, तो इसका म स क्या हो जाएगा, 13। यानी म स 65 और 117 का होगा कितना, 13। अब इसने 13 को क्या लिखा है, एक कूट भाषा के रूप में व्यक्त किया है, 65p-117। यानी इसने क्या व्यक्त किया है, 65p-117। यानी 13 बराबर कितना है, 65p-117। तो अभी एक समीकरण बना है, इसे हम हल करेंगे। तो 117 को इधर लेकर के आएंगे, माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 13 प्लस, ये माइनस वाला इधर आएगा, बराबर की ठीक इधर, 13 प्लस 117 बराबर 65p। अब इनको जोड़ लेंगे, तो 7 3 10, 10 को 0, हासिल लगा 1 का 1 और 1 2 और हासिल 3 और 1 ये 130 बराबर 65p। तो 65 का पी के साथ क्या है, गुणा है। ठीक है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 130 भागे 65। देखिए समीकरण यही था, मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं था, तो 65 दूनी 130 होगा, दो बार जाएगा, तो पी बराबर क्या मिला मुझे, 2। पी बराबर 2, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 दिया, डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। तो ये सही हो जाएगा, पी का यहाँ मान 2 है, ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये आ सकते हैं। आगे चलते हैं, 11वीं सवाल जो 2023 में भी आया है, और एनसीईआरटी का क्या एक एग्जाम्पलर है, कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मोसब, जिससे 17 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। कह रहा एक बड़ी सी बड़ी संख्या है, जिसको 70 में भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा,
और उस बड़ी संख्या से 125 में भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो पूछा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इस सवाल को हल करने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये आप में क्वालिटीदार सवाल है। तो 70 है, 70 में से हम घटाएंगे वह जो शेषफल प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, शेषफल 5। 70 में से 5 घटाएंगे 65, यानी वो संख्या जो होगी 65 को पूरा पूरा काट देगी। कौन सी संख्या कैसे काटेगी हम बता रहे हैं, फिर 125 है, 125 से यहाँ जो बड़ी संख्या उससे भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए, 8। तो हम 8 को घटा रहे हैं, मतलब कौन सी संख्या जो है इससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, तो घटाने पे 125 में से 8 आएगा 117। भी घटाना हमसे बिल्कुल ना पूछेगा कैसे किया गया है, 15 में से 8 घटाएं 7 बचा, यहाँ एक था लिख लिया, यहाँ एक था लिख लिया। अब 65 और 117 ऐसी दो संख्याएं हैं जो इस बड़ी से बड़ी संख्या से क्या हो रही, कट जा रही हैं। तो जब कट जाती हैं तो ऐसी संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, मसप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा से बड़ा, यानी मसप यानी एचसीएफ। तो हम निकालेंगे इस बार भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये उपल 11 है, तो किससे कटेगा, 5 से। कितनी बार में जाएगा, सर जी 13 बार में जाएगा, 5 एक का 5 आया, 5 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचा, 1 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, एक बार ले गए भाग पड़ के, 1 इधर आ जाएगा 15, तो 5 तिहाई 15। अब आ गया 13, तो इसको 13 से भाग करेंगे, 13 एक कम 13, 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 65 का गुणनखंड हो गया 5 × 13। अब हम 117 का भी निकालेंगे, इस 117 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है 117 का 2 से कटेगा, नहीं सर जी, सम संख्या विषम संख्या को कभी नहीं काटती, मैंने क्या कहा, सम संख्या विषम संख्या को कभी भी नहीं काट सकती, ठीक है, विषम संख्या सम संख्या को डिवाइड बिल्कुल कर सकती है, तो ये कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब बारी है 3 की, फिर 3 से बिल्कुल डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि अंकों का योगफल 9 है, देखिए 1, 1, 2 और 2, 7, 9, 9 3 से कट जाता है, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, 11 से 9 घटाएंगे आया 2, 2 और 7 27 हो गया, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 27 आ जाए, तो 3 × 9 = 27। फिर ये 3 से कटेगा जी बिल्कुल, 9 × 3 = 12, अंकों का योगफल 12 जो 3 से क्या डिवाइड है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या, तो 13 से कटेगी, 13 × 13। अब इन दोनों अभाज्य संख्याओं को हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, तो 65 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 13 और 117 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 13। निकालना क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में जो सब में कॉमन हो उसी को लेते हैं, 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 5 को हम बिल्कुल नहीं लेंगे कट, 13 इसमें है इसमें 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 है, तो 13 को हम क्या करेंगे ले लेंगे, तो सिर्फ 13 ही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 हो नहीं सकता, 15 हो नहीं सकता, 17 होने की संभावना नहीं। तो यह मोस्ट निकालने की कौन सी विधि थी, अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। भाग विधि से अगर निकालने की बात करें तो यह छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में क्या कर देते, भाग कर देते,
65 से 117 में क्या करते, भाग कर देते, तो 65 का पहाड़ एक ही बार जाएगा, तो 65 एकम 65, घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2, 11 से 6 घटाएंगे 5, 52, 52 से 65 में भाग देंगे, 52 एकम 52 आएगा 13, 13 से 65 52 में भाग देंगे, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 कट गया, किस संख्या से कटा, 13 से, तो 13 हो गया इसका एचसीएफ। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से था। इसके पहले ठीक हमने इस सवाल को हमने यहाँ करके दिखाया है एकदम बढ़िया से, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगली सवाल पर। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12। कह रहा वह बड़ी से बड़ी, कलर चूज करते हैं, रेड कलर अच्छा लगेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अच्छा बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ आ जाए तुरंत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ की बात कर रहा है, इसे ध्यान से समझेंगे। बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 5 शेष फल प्राप्त होता है या होगी, 2023 का यह प्रश्न है। ठीक उसी तरह से है कि बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाएगा और शेष फल प्राप्त हो, तो यहाँ पर इस वाली भी संख्या से 5 शेष फल प्राप्त होगा, इस वाली संख्या से भी 5 शेष फल प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से हम 5 को घटा लेंगे, तो 245 माइनस 5 बराबर 240, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 240 को काट देगी। फिर आते हैं 1037 है, इसमें से भी 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, आएगा कितना, आप लोग खुद घटा करके बताएंगे, 1032, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी। ठीक है, तो वह 240 और 1032 का क्या है, एचसीएफ है। तो आप एचसीएफ निकालेंगे चाहे भाग विधि से चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से। जब संख्याएं बहुत बड़ी हों तो सबसे आसान मेथड होता है कि हम तुरंत क्या करें, भाग विधि का इस्तेमाल कर लें। इस सवाल को हम ऑप्शन के भी माध्यम से कर सकते हैं। देखिए 22 से एक संख्या कटेगी 244, जी सर जी बिल्कुल नहीं कटेगी, 23 से नहीं कटेगी, 24 से, हाँ सर जी 24 से कट जाएगी, हो सकता है इसका उत्तर 24 हो, 25 से कटेगी, 25 से ये बिल्कुल नहीं कटेगी, 25 से अगर आप काटेंगे तो नहीं कटेगी, सिर्फ कट किससे रही है, 24 से, तो 24 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आते हैं इसको लगा करके हल करते हैं, तो 240 यहाँ पर संख्या कितनी है, अंकों की संख्या 3 है, तो अंदर के भी हम 3 ले लेंगे। अब कंपेयर करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो पता चला बाहर वाली संख्या बड़ी है, भाजक वाली संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ के 4 अंक ले लेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इधर वाले एक अंक से, तो एक अंक छोटा है तो 2 अंक ले लेंगे, तो 10 हो गया, तो 2 का पहाड़ा कहीं कहीं 5 बार पढ़ेंगे, 2 25 10, तो कहीं कहीं ये भाग हमारा 5 बार जा सकता है। ठीक है, कितनी बार, 5 बार, तो 24 25 होता है 120, तो 5 बार भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको ले जाएंगे 4 बार, 4 0 0, इस 4 का गुणा कर रहे हैं इधर हम, देखिए 4 0 0, 4 चौके 16 16 को 6 हासिल लगा, 1 का 4 2 8 1 9। अब हम क्या करते हैं, भाग विधि में इसको घटा लेते हैं, तो 2 को 0 के साथ घटाएंगे, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 6 जाएगा नहीं, पड़ोसी के पास जाएगा, कहेगा भाई सामने तो युद्ध 6 से हो रहा है, बड़ा विशाल का है, कुछ मदद करो। कहेगा मैं क्या मदद करूँगा आपकी, मैं तो खुद 0 हूँ। कहेगा तब 3 तो क्या हमारी हार निश्चित है, कहेगा नहीं नहीं बगल वाले के पास जाते हैं, 1 के पास कुछ लेकर आते हैं, एक अपना इसे 1 देगा तो ये 0 10 हो जाएगा, और 10 इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 13, तो 13 से 6 गया 7, यहाँ बचा 9, क्योंकि ये था 10 दे दिया अपना है, तो बचा 9,
नौ से नौ कट गया, आ कितना गया 72। अब 72 को हम बनाएंगे क्या, भाजक, और इसको बनाएंगे भाज्य, इसको बनाएंगे भाज्य, यानी इसको ला करके कहाँ रख देंगे, बीच में। लो भाई मैंने बीच में रख दिया, इसको मैंने बना दिया भाज्य। अब 72 का पहाड़ा, यहाँ से दो अंक, यहाँ के दो अंक लेंगे, यहाँ के भी क्या लेंगे, दो अंक। तो ये दो अंक अंदर के क्या हो जा रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं, तो हम तीनों अंक ले लेंगे। अब 7 का पहाड़ा, नहीं नहीं 7 यहाँ लेंगे, यहाँ का एक अंक तो पता चला 2 छोटा है, तो हम यहाँ के दो अंक लेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल पाए कि हम पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे, या अप्रोक्स पता करने के लिए नियम होता है। तो 7 यहाँ से दो अंक ले लेंगे, हो गया 24, तो 7 का पहाड़ा कितनी पढ़ेंगे, 7 × 21 = 28। तो कहीं कहीं 3 बार जाने की संभावना है, तो 3 बार ले चलते हैं, 3 लिखेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर 3 का गुणा 7 में, 3 × 7 = 21, ठीक है। 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया। आप क्लास 10 के बच्चे हैं, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब इसको बनाएंगे क्या, भाज्य, ठीक है, जो सिस्पल आए वो बन जाएगा भाजक, भाज्य बराबर, सॉरी सॉरी यहाँ 72 था, मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 72 यहाँ आएगा, 72 आप तुरंत जानेंगे 24 × 72 होता है। लो भाई साहब 24 × 72 कट गया, किस संख्या से कटा, 24 से। तो इन सभी संख्याओं का HCF क्या होगा, लिखेंगे 240 और 1032 का HCF, बराबर कितना, 24 24 24 24। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन से भी कर सकते थे, आप देख पाते कि कौन सी संख्या इसको काट रही है। अगर दो संख्याएं काटती तब तो कंफ्यूजन हो जाता, अगर एक संख्या मिलती है तो ये हमारा उत्तर हो जाता, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13, आपके युगो युगो से जुड़ा प्रश्न 2024 में आया हुआ है सवाल। करा छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। छोटी सी छोटी संख्या यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM, छोटी मतलब लिस्ट मतलब छोटा। तो हम यहाँ 35, 56 और 91 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 7 शेषफल होगा। पैंतीस, छप्पन और 51 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो इसका हम निकालेंगे, क्या कहते हैं इसको, LCM, ठीक है। तो आते हैं इनका LCM निकालते हैं, एक मिनट, 35, 56 और 51 का, सॉरी 91 का LCM, एक मिनट थोड़ा टेबल हो जाऊँ, 35, 56 और 91 का LCM तो निकालते हैं, 35, 56, 91, सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है, 2 से इसमें ये नहीं और ये दोनों नहीं कट रहे हैं, 35 और 91 नहीं, 56 कट रहा है तो काट देंगे, 35 को लिखेंगे ऐसे ही, 56 में भाग देंगे तो 2 × 4 =
बचेगा एक, 16 हो जाएगा, 2 8 16, 91 में भाग देंगे नहीं कटेगा तो पूरा लिख लेंगे। अब ये 2 से कटेगा? जी सर बिल्कुल 2 से भी कटेगा। जो ना कट रही संख्या उनको हम नीचे ऐसे उतारते चलेंगे, 35, 28 कटेगा आ जाएगा 14 और 91, फिर 14 भी 2 से कटेगा तो काटते चलते हैं, 35 14 में भाग देंगे आएगा 7 और 91, तो 2 से ये कट गया। अब बारी है 3 से, तो 3 से कटने वाली संख्या इसमें कोई नहीं है, 4 से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 से कटने वाली एक संख्या 35 है जिसमें भाग देंगे 5 से, ओ भाई साहब तू साफ हो जा, ठीक है 5 से भाग देंगे, 5 7 35, इसमें देंगे तो आ जाएगा 7 और इसमें देंगे आ जाएगा 91, ये भाग जा नहीं रहा तो इसे लिख लेंगे, जिसमें जाता नहीं उसको लिख लेते हैं। अब अगली संख्या जो प्राइम नंबर है वो 7 ही है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 13 7 91। अब इसमें बची एक संख्या 13, जो 13 खुद प्राइम नंबर है तो 13 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, 1 1 1 13 एकम 13, तो आ गया 1। अब ये क्या हो गई, संख्या हो गई, क्या हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया है ल स के नियम से, तो हम ल स निकालेंगे, इन्हीं संख्याओं को लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 5 × 7 × 13, तो इनका गुणा करेंगे, 2 × 4 × 8 8 × 25 40, ठीक है इसका गुणा करेंगे, 2 × 4 × 8 × 25 40, 40 × इन दोनों का भी आपस में कर लेते हैं, 13 7 91, 13 7 91। अब जब 0 हो किसी संख्या में तो गुणा करते हैं, तो 0 पहले लिख लेते हैं। अब बची संख्या क्या, 4 और 91, 4 का गुणा हम करेंगे, 1 में 4 एकम 4 4 9 36, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी ल स प आ गया एलसीएम 3640। ये उत्तर होगा? नहीं, ये उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, ये संख्याएं 35 से भी कट जा रही है, 56 से भी कट जाएगी, 91 भी से कट जाएगी, एलसीएम यही होता है जिन संख्या का निकालते हैं उस संख्या से कट जाती है, तो ये कट जाएगी, प्रत्येक दशम कितना बच रहा है, 7 शेषफल बच रहा है, तो ये न कट पाए तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 और बढ़ा देंगे, तो लिखेंगे वह संख्या बराबर, वह संख्या बराबर 3640 + 7 बराबर 3647। हमने 7 क्यों जोड़ा है, क्योंकि 7 शेषफल बच रहा था, अगर 7 और इसको बढ़ाते नहीं तो ये संख्या को काट देती तो बचता 0, इसीलिए हमने 7 को बढ़ा दिया इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए, ना सर जी बिल्कुल नहीं, धोखा हो सकता था, बी वाला ना सर जी 3645 नहीं होगा, डी वाला 3740 अपने में भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, 14 14, प्रश्न संख्या 14। मजेदार बात है यह कि 14 वाला प्रश्न भी आया हुआ है, कौन सा कलर नहीं, दूसरा कलर लेते हैं, है ना, कह रहा परिमेय संख्या है, 2024 में आया हुआ आपके सामने प्रश्न है, कह रहा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, कंडीशन 2 होती है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, पहली कंडीशन क्या होती है, P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, अच्छा सर जी तुम बिल्कुल जानते थे, दूसरी कंडीशन क्या है, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, सर जी पूर्णांक क्या होता है, बिल्कुल नहीं पूछेंगे पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, तो पूछा परिमेय संख्या, तो एक बात और इसी लगे हाथ जान लेते, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। सर जी तो इसे कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिए पाई और जितना भी अभाज्य संख्या है उनका वर्गमूल, जितना भी अभाज्य संख्या है जैसे पाँच तो पाँच का वर्गमूल, सात सात का वर्गमूल इत्यादि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो कड़ी में दो क्या है? अभाज्य संख्या का वर्गमूल है देखो, तो यह अपरिमेय है। पूछा परिमेय है कोई? नहीं नहीं परिमेय तो ना है, अपरिमेय। कड़ी में तीन, अरे नहीं नहीं ये भी तीन क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल है तो ये भी नहीं होगा। कड़ी में नौ सर जी, ये थोड़ा असमंजस बना है। नौ की बात करें तो क्या नौ अभाज्य संख्या? नहीं सर जी, अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है लेकिन ये तीन से भी कट जा रहा है। तो यहाँ कुछ राज छिपा है, तो कहीं ना कहीं ये हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस तीन। ठीक है, तो तीन कैसी संख्या? परिमेय संख्या है, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ कड़ी में सात की बात की जाए तो सात क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये सात का वर्गमूल है तो इसलिए भी कैसी संख्या है? अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। ये संख्या दो एक और लिख दीजिए सर जी, बिल्कुल लिख देते हैं, ये लीजिए। नहीं तो कहोगे जो ऑप्शन में थे वही सब हम लिखे हैं। देखिए ग्यारह का वर्गमूल, तेरह का वर्गमूल सर जी, हाँ इसे याद रखिएगा, पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, सवाल नंबर 15। कह रहा अपरिमेय संख्या, अभी हमने बताया अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। तो क्या 25 अभाज्य संख्या? जी सर जी बिल्कुल नहीं, ये 5 से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय होगी। 81 री सर जी, ये तो 9 से कट रहा है ये तो ये भी नहीं होगा। यानी कड़ी में 25 का मान कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस 5। कड़ी में 81 का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 9। तो एक दोनों संख्याएं कैसी संख्या हो गई? परिमेय हो गई। 5 बटे 3 पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, क्यू के बराबर 0 नहीं है तो ये भी क्या है? परिमेय है। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो इसे पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत मारिए एकदम सही है 5 प्लस कड़ी में 2। हमेशा याद रखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का योगफल क्या आता है? अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 16, 16वां प्रश्न कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो याद रखिए एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का प्लस माइनस यानी जोड़ और घटाना किसके साथ किया जाए? अपरिमेय संख्या के साथ किया जाए। किसके साथ? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या के साथ। थोड़ा अच्छा लिखते हैं, अपरिमेय अपरिमेय संख्या के साथ किया जाए। प्लस बताता है कि परिमेय और अपरिमेय का योग, माइनस चिन्ह यहां बता रहा है कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ अंतर, तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसे याद रखेंगे अपरिमेय होता है।
ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो होगा सदैव अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए इज राइट राइट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। करा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? क्या करा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 5, दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं और इनका कोई हल नहीं हो रहा है। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये गलत हो जाएगा, पूछा क्या है? परिमेय संख्या। इसको भी हल करेंगे तो कर्णी में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, जो भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है, लेकिन जब दोनों अलग अलग अपरिमेय हों तो उनका गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। ध्यान समझिएगा मेरी बात, परिमेय अपरिमेय और एक और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा जब दोनों अपरिमेय समान ना हो तब। ठीक है, कड़ी में 12 की बात की जाए तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा? 3 × 2 × 2। तो कड़ी में 2 × 2 का मान तो 2 बाहर आ जाएगा, पर कड़ी में 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, मस्ती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत बदमाशी भी कर रहा हूँ। तो कड़ी में 2 × 2 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 4 का मान 2, अंदर क्या बच जाएगा? कड़ी में 3। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, तो ये संख्या भी क्या है? अपरिमेय है। बच गया यही, तो ये क्या एक परिमेय है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सर जी इसका सलूशन होगा? जी बिल्कुल होगा इसका सलूशन, है ना। देखिए कैसे, दोनों कोष्टकों में संख्याओं को देखिए, ये वाली संख्या ये वाली संख्या सेम है, ये वाली संख्या ये वाली संख्या सेम है। तब आपके दिमाग में एक सूत्र आएगा, क्या सर जी a प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, यानी वो सेम संख्या है, बस प्लस माइनस का गेम है, बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी कर्णी में 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस क्वेश्चन में कर्णी में 7 का स्क्वायर। हल करेंगे, कर्णी में 5 का मान हो जाएगा 5 स्क्वायर पे करने पर, कर्णी में 7 का स्क्वायर करने पे 7। तो जब असमान चिन्हों का घटाना आ जाए तो बड़े से छोटे को घटा दिया जाता है, बड़ा संख्या 7, 7 में से 5 को घटा देंगे 2 आ जाएगा, बड़ी संख्या का मान लिख दिया जाता है। तो माइनस 2 क्या इसका हल होगा, और एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, और इसका जो रूप हम लिख सकते हैं पी बटे, क्योंकि रूप में माइनस 2/1, तो इसलिए ये सही है सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर मिनट 18। करा एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। शून्येतर का मतलब ऐसी संख्या जिसका मान शून्य न हो, ठीक है, शून्य न हो, शून्य न हो, एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। ठीक है,
तो देखिए जब एक परिमेय संख्या को मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या क्या है 5, ठीक है। दूसरी अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कड़ी में 5 है। अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, वो वर्गमूल होता है। इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कड़ी 5 में से भाग करेंगे 5 में। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुड़ी कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5। ये भाग कुछ इस तरह समझाएंगे, तो कड़ी से 5 कड़ी 5 कड़ी कितनी बार में जाएगा, कड़ी में 5 बार जाएगा। तो आएगा 5, 5 से 5 जाएगा कट, तो भागफल कितना आया कड़ी में 5। कड़ी में 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे, 2024 और 23 में आया हुआ सवाल है। पूछ रहा है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याओं का युग्म ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका म स एक हो, जिनका म स एक हो, या उनमें का जो कॉमन हो ना, कॉमन फैक्टर वो एक हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं डी क्या, 31 और 93, इन दोनों में जो कॉमन है वो 31 है, 31 से 31 भी कट जाता है और 93 भी कट जाता है, यानी इनका म स 31 है, ठीक है। तो ये सहअभाज्य होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 7 और 21 में कॉमन संख्या क्या है, 7, यानी इनका मस भी 7 है, ये दोनों संख्याएं 7 से बनी है, 7 का कहीं गुणज है, तो यह अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। 5 और 15 की बात की जाए तो 5 और 15 का मस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो भी अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। 18 25 की बात की जाए, सम संख्या विषम संख्या को नहीं काटती है, और कोई दोनों विषम संख्या इन दोनों को नहीं काट रही है, तो इन दोनों का मस क्या होगा, 1, तो ये इसका सहभाज्य, सॉरी, तो ये सहभाज्य संख्या का एक युग्म है 18 25, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, देखिए उसके बाद कौन सा प्रश्न है, 19 20। अच्छा, करा 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है, कराइए 1 से 10 तक की संख्याओं को न्यूनतम विभाज्य, न्यूनतम माने कम से कम, कम से कम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का हमें निकालना एलसीएम, 1 2 3 4 5 6, ये प्रश्न आया नहीं आपके प्रश्न पुस्तिका में, फिर भी सीख लेते हैं 8 9 10, तो 10 की तो बात नहीं है क्योंकि ये कहा है सिर्फ और सिर्फ 1 से 10, ने 10 भी कहा है तो 10 को भी ले लेंगे 10 तक की, ठीक है। 1 से 10 तक संख्याओं का न्यूनतम विभाज्य संख्या जो अब क्या है, विभाज्य संख्या, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आप लोग खुद निकालेंगे, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। हम इन सभी संख्याओं से बारी बारी से क्या करेंगे, इन सब में भाग देंगे, तो 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो 1 को छोड़ो, 2 से 10 कट जाएगा, जी सर जी बिल्कुल कट जाएगा, 3 से 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 से 100 भी कट जाएगा पर 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है, सॉरी 4 है। 3 से चेक करते हैं अंकों का जोड़, 4 2 6 5 11 11, जो कि नहीं कटेगा 3 से, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इधर,
एक से दस तक की संख्याएं, दोनों श्रेणी में सभी संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है? तो ये तो संख्या दो से तो कट जाएगी पर तीन से नहीं कटेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन ही क्या है, गलत है, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर आएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, हमको लगता है यहाँ 2400 होना चाहिए था, पर 2400 सात से कटेगा नहीं, 7 × 21 3 × 7 = 28 है ना, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका उत्तर जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो आपका अध्याय एक है, ठीक है, जो ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ इसी में से आ जाएगा, ऑप्शन वाले प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो 2, 4 और 6 नंबर के आते हैं वो आगे है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। ठीक है, ये देखिए सारे प्रश्न इधर हैं ना, बहुत सारे प्रश्न भी हैं, प्रश्नों की लड़ियां ही लड़ियां हैं हमारे पास, तो इनको हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो अध्याय एक से जुड़ा हुआ ऑप्शन का प्रश्न है वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इस पीडीएफ के मिलने की, तो पीडीएफ जो है आपको क्लास यूट्यूब पे यहाँ मिल रही है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिटेल होगा पीडीएफ का, पीडीएफ लिख के लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। पर जैसे ही आप पीडीएफ खोलेंगे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप डाल देंगे कैपिटल BITTU, ये पासवर्ड है। ठीक है, ये क्या है, PWD है, यानी पासवर्ड है, ये डालेंगे तो आपको पीडीएफ खुल जाएगी और आप चीज़ें नोट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते। अपना ख्याल रखिएगा और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। मैं लगातार लगभग 40 क्लास लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, पूरी आपकी गणित ख़त्म हो जाएगी। आज मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है चीज़ों को हल करके, आगे थोड़ा फास्ट भी होगा। ठीक है, अच्छा क्लास को यहीं रखते हैं, नमस्कार।